इससे पहले प्रियंका रेड्डी केस हो या किसी और बहुत सारे होने वाले आसिफा हो या फिर बहुत सारे वाले केसेस के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट उठाकर देखें तो भारत में हर 15 मिनट पर कई केसेस रेप के होते हैं। रेप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला, इंटरनेशनल लेवल पर इसको इशू को उठाया गया कि बन चुका है, उसके बावजूद हमारी हुकूमत की तवज्जो नहीं है। अगर रेपिस्ट के लिए बहुत सजाएं सख्त दी जाती है तो उस सूरत में ये केस हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हुकूमत जब से हम देख रहे हैं कि आई है तो पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, हर केसेस को जो है मजहबी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा हम इसको कुछ नहीं समझते। ये शर्म की बात है कि सारे केसेस में तो पोलराइजेशन के किया गया, लेकिन महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में जहां हिंदुस्तान में हमारी छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बच्ची तक महफूज नहीं है, इस सिक्योरिटी को यकीनी बनाना छोड़कर हुकूमत इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही है और मासूमों को जेल में डाला जा रहा है, मासूम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। आप सोचिए कि अगर इस तरह रेपिस्ट को प्रोटेक्शन दिया गया और रेप के रेपिस्ट को सजा नहीं दी गई और इसी तरह मजहबी रंग दिया तो केसेस बढ़ेंगे। आप 2017 का क्राइम ब्रांच का रिकॉर्ड रेशो उठाकर देखिए, 2017 से लेकर 19 और 21 तक ये रेशो बढ़ता रहा है और अभी ये 88% तक पहुंच गया है। आप सबसे ज्यादा जिस इलाके में रेप किया जाता है वो राजस्थान के, वो गरीब हिंदू तबका है, दलित तबका है जिसके बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, उस रेशो को तो सामने ही नहीं लाया जाता और जो केस उठा लिया जाता है उसमें मासूमों को सजाएं दी जाती हैं। तो ये हुकूमत की ये चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये तमाम पूरे हिंदुस्तान को बंटवारे की पॉलिटिक्स है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो सिर्फ मजहब के नाम पर बांटी जा रही है। हम यहाँ किसी मजहब के बगैर, आप देख सकते हैं कि हर मजहब के मानने वाली खातून यहाँ, लेडीज यहाँ खड़ी हुई हैं और सबका ये मतालबा है कि हम महिलाएं हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हुकूमत हमें प्रोटेक्शन दे और हमारी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बच्चियों तक, औरतों तक, सभी को प्रोटेक्शन दे। यहाँ हमको मजहब के नाम पर नहीं, एज ए महिला की हैसियत से आप हमको जज करें और हुकूमत हमारा मतालबा सुने। और महिलाओं को जॉब प्लेसेस पर महिला महफूज नहीं है, रास्तों पर चलते हुए, स्टेशनों में, जंगलों में काम करने वाली देहातों की महिलाएं महफूज नहीं है। इस तमाम चीजों को हुकूमत सख्त स्टैंड ले और हिंदुस्तान को बंटवारे के बजाय एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए कोई इकदाम करे। हमारा हुकूमत से मजबूत मतालबा ये है पूरी खवातीन का कि यहाँ पर रेपिस को सख्त सजा दी जाए, मजलूमों के ऊपर इल्जाम लगाकर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश न की जाए। मेरा नाम खान मुबशरा फिरदौस है, जमात इस्लामी हूँ। सबसे पहले तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो निर्दयी घटना घड़ी है, उसके साथ बलात्कार करके उसके हाथ तालिमों ने काटी है, पर उसकी आवाज हम बनकर खड़े हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 आवाज में आ रही है। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मनीषा को मिलना चाहिए, मेरे भाई ने खाना नहीं खाया क्या? अभी देखो मैं बिना माइक के आवाज। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम शर्मिंदे हैं, आरएसएस के दलालों को, झूठ में मारो सालों को, आरएसएस के दलालों को, झूठ में मारो सालों को, बीजेपी के दलालों को, झूठ में मारो सालों को, गोशे की तबाही होती रहेगी, बाप के जिगर गोशे की तबाही हो, मोश सहती रहेगी, हर रोज बेटियां फौत होती रहेगी, आबरू पामाल होती रहेगी, अगर यूं ही आबरू पामाल होती रहेगी, होगी तो ना कोई बहन होगी ना माता होगी, ना कोई सरस्वती होगी ना कोई रहेगी। जजाक अल्लाह।
यूपी में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है, उसकी हत्या में उसकी जबान काटकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और पुलिस ने गुमशुदा तरीके से उसका अंत्य संस्कार भी कर दिया। उसका अंत्य संस्कार उसके घर वालों ने नहीं तो पुलिस ने किया। तो ये कहीं ना कहीं ये तानाशाही इस मोदी और योगी सरकार ने इस देश में लगाई है। देखो भारत देश में माँ का दर्जा, मतलब भारत को माँ कहा जाता है और इस माँ के जो भारत देश में माँ कहा जाता है वही पे इस भारत देश की बेटियों को हर चौराहे पर बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो हम इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही में रहते हैं और अगर इस लोकशाही में अगर माँ बहन की हत्या रोड पे भर चौराहे में हो रही है और उनके जो आरोपी है उनको अगर ये सरकार पीठ पीछे दबा रही है तो इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति का कायदा ये कहीं ना कहीं हम पे लागू करने का और थोपने का और हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका जो मंशा है वो इनके इरादों इनकी इस घटना से समाज के सामने आ रहे हैं और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं कि इनका जो सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का और मनुस्मृति वापस लागू करने का, महिलाओं की जो दड़पशाही कर रहे हैं कि महिलाओं ने घर के अंदर ही रहना चाहिए, घूंघट में ही रहना चाहिए, इनकी ये मंशा हम कभी पूरी नहीं होने दे सकते। मनीषा की जबान इन्होंने काटी है पर मनीषा की आवाज बनकर भारत की हर एक बेटी इस रास्ते पर उतरी है और उसके लिए आज हम संवैधानिक मार्ग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर इसके आगे हम बंदूक और तलवार भी हाथ में लेने से नहीं डरेंगे। मनीषा को न्याय मिलने तक हम ये लड़ाई आखिरी तक जारी करेंगे। लेकिन सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। ये झूठा नारा है, बेटी पे बलात्कार करो और आरोपी को छुपाओ, ऐसा इनका एजेंडा है। ये झूठ का बुरखा इनका फट गया है। मनीषा वाल्मीकि के जो मैटर हुआ है, जो उसकी हत्या हुई है, इस घटना से योगी और मोदी का बुरखा फट गया है। इन्होंने अब राजीनामा देना चाहिए। आपका नाम? मैं जयश्री शिर्के। मामले हाथरस घटना जो है वो एक बेटी की है और इस देश में अलग अलग संस्कृतियां है। इस देश में कभी भी जात पात का राजकारण ये लोग करते हैं पर जो इस देश में भारत का संविधान है उसमें हर समाज को और हर इसको समानता का अधिकार दिया है। एक पुरुष और महिला को समानता का अधिकार है और इस लोकशाही में ये जो धर्म के नाम पर ये राजकारण किया जा रहा है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और मुझे तो लगता है वो इस देश की बेटी थी, उसकी जात पात क्या इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस भारत देश की बेटी है और इस देश की कोई भी बेटी पे अन्याय अत्याचार होता है तो ये जयश्री शिर्के रोड पे उतरेंगी और भारत की हर बेटी भी रोड पे उतरेंगी, ये मैं आश्वासन देती हूँ। और जो भी राजकारण समाज के नाम पे जो राजकारण करेगा उनको हम वक्त आने पर उनको भी पीट के निकाल सकते हैं, इतनी ताकत हमारे में है। हमने अगर चूड़िया पहनी भी है तो इस चूड़ी की ताकत बहुत मजबूत है। इस देश में जो हमारी माँ बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं अब उनको भर चौराहे में जलाने की भी ताकत हम रखते हैं। यूपी सरकार को अगर इतना ही दंगा फैलाने का डर लग रहा है तो वो खुद ही इस बच्ची के साथ में जो बलात्कार और अन्याय हुआ तो उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते थे, ना कि उसको रात में 2 बजे जलाने की कोशिश करते थे। इसमें से इनके मनसूबे साफ जाहिर होते हैं और आप देखिए अगर उनको इस बेटी को अगर न्याय दिलाना है तो उस गांव को इन्होंने क्यों 144 लागू किया और क्यों उस पीड़िता के परिवार से किसी को मिलने नहीं दे रहे। आप देखिए कि इस डेमोक्रेसी में राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, प्रियंका गांधी के साथ क्या हुआ और जो भी कोई उस लड़की से मिलने, उस लड़की के परिवार से मिलने जा रहा है तो उनको कितनी बुरी तरह से रोका जा रहा है। हमारी एक महिला रिपोर्टर के साथ भी इन लोगों ने बस सलूकी की तो आप सोचिए कि दंगा भड़काने की मंशा किसकी है। और योगी और मोदी अगर सही में योगी और मोदी के राज में गाय सेफ है पर माँ सेफ नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। एक बार भाई को हाथ लगाए तो चलेगा पर गाय को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसी इनकी संस्कृति है। और ये संस्कृति ये झूठा है जो हिंदुत्व का नारा देते है, ये झूठा नारा है। अगर इनको हिंदू धर्म से इतना ही प्यार होता तो मनीषा वाल्मीकि के अंत्य संस्कार ये रात में 2 बजे नहीं करते और मेरी बहन को न्याय दिला के रहते। ये इनका झूठ का बुरखा है, ये फट गया है। उन्होंने आप कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उन्होंने सीधा राजीनामा देना चाहिए। जय भीम जय सभी।